शर्मा। तो बच्चों आपको समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किस ओकेजन की बात कर रहे हैं। साथी मैम जरा बच्चों को एक्सप्लेन कर दीजिए। यस, हम लोग आपके लिए क्या क्या लेके आए हैं। कैंडल से स्टार्ट करते हैं। क्रिसमस में कैंडल्स तो बहुत जरूरी होती है। कैंडल देन आप देख सकते हैं इसमें कोई चीज नहीं है जो आप क्रिसमस पर मिस करेंगे केक के अलावा। वो तो हम लोग कागज का खा नहीं सकते हैं। देखिए सांता क्लॉज है, गिफ्ट है, ट्री है, देन रिथ है, हाउस है, स्नोमैन है, इतनी सारी स्नो भी है और स्टिक भी है, ग्रीटिंग कार्ड्स भी हैं। चर्च भी हम लोग घूम सकते हैं। बड़ा क्रिसमस ट्री भी है और छोटा सा डेकोरेशन भी आप देख सकते हैं क्रिसमस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं कुछ एक्टिविटीज जो आप सभी बनाएंगे हमारे साथ क्रिसमस के लिए। तो आप सभी बच्चों को भी मैरी क्रिसमस। So children, without wasting our time, let's start activity for Christmas. So आइए आज सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं। सबसे पहले सेंटा को बुलाना होगा, उनका तो दिल है। तो आइए सबसे पहले आपके पास किसी भी साइज की बॉटल हो, छोटी बॉटल ले लीजिए बेस बनाने के लिए। और सिर्फ बॉटल ही नहीं बच्चों, आप कागज से कोन बना के भी बना सकते हैं। पर ये जैसे बना है वो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह की बॉटल है, इसके ऊपर आप इस तरह के ग्लेज पेपर हो या ये कैसे भी पेपर, जिस कलर जो भी आपको अवेलेबल हो, लेकिन रेड कलर की हो क्योंकि उनका ड्रेस रेड होता है। जैसी भी तो आप इसको रैप करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसे रैप किया। उसके बाद आप एक कोन बनाइए। कोन कैसे बनाते हैं हम लोग, इस तरीके से कोन बना लेते हैं। और वैसे भी हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो चीज़ों को देख करके तुरंत कैच करते हैं और बना लेते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये हमने देखिए कोन बना लिया। अब आपको जितनी लंबी कैप बनानी हो आप इसे उतना रखिए, अदरवाइज आप इसे ऊपर से काट लीजिए। हम इसे काट देते हैं। तो अब आपके पास यदि छोटी बॉटल है तो आप इसे छोटी कैप बना देंगे, ये देखिए, और इसे रेड कलर के कागज़ से रैप कर देंगे। हुआ, उसके बाद आप देखिए इनके दाढ़ी मूछ लगी है जो तो आप जानते ही हैं, इसी कॉटन से हम लोग दाढ़ी मूछ इनकी बनाएंगे कैप पहना करके। और ड्रेस में इनकी जो ड्रेस हमने बनाई इस तरीके से, तो कोट बनाने की जरूरत नहीं है। आप कॉटन को ये लुक दे सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप राउंड शेप में कॉटन लगा दीजिए। वो टाइप ये आपकी कोट का लुक आ जाता है। फिर यहाँ हमने बटन लगाए, उसके लिए आप ब्लैक पेपर का भी यूज कर सकते हैं, छोटी बिंदियाँ हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं, वो भी ना हो तो आप स्केच पेन लगा दीजिए, या आईज आपको मार्केट में जो मिलती है गूगल आई, गूगली आईज जो होती है उसके अंदर जो ब्लैक हिस्सा रहता है उसको निकाल के भी चिपका सकते हैं, पर वो थोड़ा टफ होगा। आप इजी वे में आइए, बिंदी लगा सकते हैं या कागज ब्लैक कलर का कागज काट के इनके बटन बना सकते हैं। और इसी तरह हमने यहाँ पर इनको कैप को पहनाई भी थी, आपने देखा अभी। मैं पूरा नहीं बना रही हूँ क्योंकि आप बना हुआ देख पा रहे हैं, इसीलिए मैं सिर्फ आपको स्टाइल बता रही हूँ कि कैसे बन रहा है। ये हुआ, यहाँ पर आप इसे एक पहले व्हाइट कलर का कोन पहना दीजिए,
उसमें आप आंखना हाथ से ड्रॉ कीजिए या फिर आप चिपका दीजिए। और चश्मा बनाने के लिए आप एक तार लीजिए, तार के ऊपर ब्लैक टेप चिपका के आप इस तरह से मोड़ लीजिए और मोड़ के उनको चश्मा पहना लीजिए। और देखिए इन्होंने एक पोटली भी हाथ में ली है अपने गिफ्ट की, उसके लिए आप कॉटन लीजिए या कोई भी चीज़ लीजिए और उसे इस तरह से रैप कर लीजिए। ये देखिए इस तरह पोटली बना लीजिए और इनके लिए हाथ जो मैंने बनाया है इन हाथ में चिपका दीजिए। हाथ में भी आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं को इसी तरह रोल करके दोनों साइड लगा देना है। और ये मैंने आगे भी अपने वीडियो में बताया कि जब आपको कोई गोल चीज चिपकानी होती है तो आपको क्या करना होता है, ये कट्स मारने होते हैं। ये देखिए कट मारने से ये इस तरीके से खुल जाता है। ये चौड़ाई में आ जाता है तो ये कोई भी चीज पर आप इसे चिपकाएंगे तो आसानी से चिपक जाता है। तो आप हैंड बनाने के लिए वही करेंगे। और जो इनके आगे ग्लव्स हमने बनाए हैं इसके लिए आप ब्लैक पेपर का यूज कर सकते हैं। और यदि आइसक्रीम स्टिक है तो आप उसकी रोल आगे से राउंड शेप दे के या उनका जो दोनों किनारे होते हैं वो ले लीजिए और उसे ब्लैक कलर करके इस पर फंसा दीजिए। इनके हैंड्स हो गए। अब इन्होंने शूज भी पहने हैं, तो शूज भी सेम जैसे ग्लव्स बने हैं उसी तरीके से आप इन्हें शूज बनाए। और एक ब्लैक बेल्ट, ये बेल्ट लगाते हैं उसके लिए आप ब्लैक टेप भी चिपका सकते हैं या कोई पेपर ले लीजिए उसको स्ट्रेट काट करके इनकी कमर में चिपका दीजिए। तो बन गए हमारे सेंटा। तो मुझे लगता है कि इस बार हमारे बच्चे पूरा ना देख के सिर्फ थ्योरी सुन के और थोड़ी थोड़ी हिंट्स प्रैक्टिकल भी लेकर के वो अपना सेंटा जरूर बना लेंगे। तो आप सेंटा बनाइए, हमें सेंड कीजिए, उसके बाद देखिए हम आपको हाईलाइट कर देंगे। तो अब तो और भी चीज़ें हैं, आप कहेंगे अभी और भी चीज़ें तो बनानी है, तो ठीक है उसके लिए मैं आपकी मैडम को बुलाती हूँ। किसको? स्वाति मैम को। राइट स्वाति मैडम, प्लीज। वेयर आर यू? कमिंग। हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर स्वाति अरोरा। सरोज मैम ने मुझे आपको इस तरह का एक प्यारा सा वृत्त सिखाने के लिए बुलाया है। ये क्या होता है? क्रिसमस पे हम लोग जनरली इसको डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे हम लोग दिवाली पे गेंदे के फूल से अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं, वैसे ही क्रिसमस पे वृत्त बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं एकदम सिंपल दिख रहा होगा आपको हार्ट, बट जब हम बनाएंगे तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। ठीक, कितना सुंदर लग रहा है। क्रिसमस पे नहीं, आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ये मैं आपको ओरली बताती हूँ कैसे बनाया गया है। आप एक कोई भी पेपर, कलरफुल पेपर जो आपका मन, जरूरी नहीं है पेपर लेंगे और नीचे से फोल्ड करेंगे, रफली फोल्ड करना है हमें, कोई जरूरी नहीं है लाइन भी हो। इस तरह हम इसे रफली फोल्ड करेंगे और धीरे धीरे, ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे, धीरे धीरे हम इसे एक सर्कल का लुक देंगे। हम इसे सर्कल चलें, ये भी इसी तरह से बनाया, अभी आपको नहीं लग रहा होगा बट इसे ऐसे लुक हमने दे दिया, हाथ थोड़ा प्रेस कर दिया और लास्ट में हम इसे टेप या धागे से बांध दिए। देन हम ग्रीन कलर के पेपर से स्ट्रिप काट के कैंची से, जैसे हम एक्टिविटीज के लिए छोटा छोटा कट करते पूरा एंड तक नहीं करते, इस तरह झालर बना लेंगे और हम इसी पे इसे रोल करना स्टार्ट करेंगे। जहाँ हमने ज्वाइन किया है हम उसी जगह से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से रोल करना। ओके, इस तरह रोल करते हुए हम इसे फुल्ली रोल कर लेंगे और जहाँ हमारा ज्वाइन है वहाँ बेल्ट लगाएंगे। और हमने जो अलग से जो फ्लावर्स आपको इजीली आते हैं बनाते वो आप तैयार रखेंगे और दूर दूर थोड़े से फ्लावर्स को लगा के डेकोरेट करेंगे। ये हो गया वन टाइम।
सेकेंड टाइप अभी मैं आपको बताती हूँ, उसमें आपको बेल बनाना भी सिखा दूंगी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स भी। ओके सो हम उसके लिए हमें चाहिए एको साइज पेपर्स, कलरफुल पेपर्स होंगे तो बहुत अच्छा है, कलरफुल नहीं होंगे तो आप वाइट पेपर में लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह। एक मैं आपको बताती हूँ, पेज को आप फोल्ड करेंगे, पेज को फोल्ड करके हाफ लीव बनाई है मैंने, बट काटेंगे हम तो हम लोग दोनों साइड को यूज करेंगे। आप सिंपल लीव भी ले सकते हैं, आपको अगर इससे और कोई डिजाइन देनी है तो आप डिजाइन भी दे सकते हैं लीव में। देखिए हाफ की अब खुल के फुल लीव हो गई है, अब मैं इसे साइड से कट करके डिजाइन देंगे। आपके पास अगर डिजाइन वाली सीजर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, सिंपल है बस छोटे छोटे हमें कट्स लगा देंगे डबल डबल और हमारी डिजाइन तैयार हो जाएगी। अगर आप व्हाइट कलर यूज कर रहे हैं तो आप इसको ग्रीन कलर कर लेंगे, और अगर आप ये देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको कट दिख रहे हैं, जब हम ये खोलेंगे तो हमारे ये कटिंग दिखेगी। ओके तो इस तरह हम या तो एको साइज व्हाइट पेपर पे बनाएंगे या फिर हम यूज करेंगे एको साइज के कलरफुल पेपर। सिंगल सिंगल लीव को हम पेयर में जोड़ेंगे, दो का पेयर बना लें, एक एक पेयर ऐसे जोड़ेंगे। मैं यहाँ पे दो कलर्स ले रही हूँ बिकॉज सेम कलर से अट्रैक्टिव होंगे, सो टू डिफरेंट कलर। ये हम पहले मटेरियल तैयार करें देन हम बेच सकते। सो हमें दो कलर के लीव्स चाहिए इस तरह जुड़े हुए, देन हमें बनाना है फ्लावर। फ्लावर बनाने के लिए हमें सर्कल लेंगे, जिस साइज का हमें फ्लावर चाहिए उस साइज का सर्कल, उसके बैक साइड में पेंसिल से हम एक चक्री जैसा डिजाइन बना देंगे। इस तरह चक्री जैसा, और इसी लाइन पे हम लोग उसे कट करेंगे बिना उसे ब्रेक किए। जहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ वहीं से शुरू कर रहे हैं और कंटिन्यूसली राउंड राउंड वी विल गो, जस्ट राउंड राउंड एंड राउंड। इसमें आपका राउंड थोड़ा छोटा या बड़ा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कोशिश करेंगे कि सेम राउंड आए। ओके सी चक्री बनते जा रही है मेरी, और ये जलेबी तो नहीं लग रही है ना आपको, इसलिए मैंने ऑरेंज कलर नहीं लिया है, नहीं तो आपको लगता मैम जलेबी बना रही है। ओके चिल्ड्रन, ये हमारे बन गया एक सर्कल की चक्री। नाउ हमें इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है पॉइंट पे भी वहाँ से शुरू करना है, अंदर हमें दिखना चाहिए हमारा गोल्डन कलर। गोल्डन कलर देखने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, अंदर से सर्कल करते जाएंगे, उसे टर्न करना है, टर्न टर्न टर्न, फिर आपको कंटिन्यूसली टर्न है, इस तरह रोल करते जाएंगे। रोल हमें स्ट्रेट नहीं करना, थोड़ा सा तिरछा रोल करेंगे बिकॉज हमें से एक स्टार का लुक देना है। ओके रोल करते जा रहे हैं, जितना आपको बड़ा स्टार चाहिए आप उतना बड़ा सर्कल लेंगे, छोटा फ्लावर चाहिए तो आप छोटा सर्कल यूज करेंगे। प्रोसेस सब में यही रहेगा, लूज हाथ से आपको बनाना है, आपको उसे बहुत टाइट नहीं करना है। सी लास्ट में आपका यही बेस जो है इसी पे हम फेविकॉल लगाएंगे, इसी बेस पे हमने फेविकॉल लगाया, फ्लावर को थोड़ा लूज रखा और हमारा फ्लावर बन गया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ रेड गोल्डन कितने सारे अपने फ्लावर्स बना के तैयार रखे हैं। सी ये सब फ्लावर्स हम लोग यूज करेंगे, इसे सेट होने में थोड़ा टाइम चाहिए, फेविकॉल है सूखेगा, इस तरह से हम छोटे छोटे फ्लावर्स रेडी कर लेंगे। अब हमारे फ्लावर्स रेडी हो गए, लीव्स रेडी हो गए हैं, अब हम रेडी करेंगे कुछ सर्कल। अलग अलग साइज के हम सर्कल्स यूज करेंगे, बड़ा छोटा देन उससे भी छोटा इन डिफरेंट कलर्स।
अब हम बनाएंगे हमारी बेल। बेल बनाने के लिए आप गोल्डन पार्ट सामने रखेंगे, गोल्डन पार्ट को आपके पास कोन की तरह ट्विस्ट करना है, पीछे से इस तरह ट्विस्ट करेंगे और पीछे की हमें स्टेपल करना है और ये बन गई हमारी बेल। यहाँ आपको थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट दिख रहा होगा, एक्स्ट्रा पार्ट जो बाहर निकल रहा है उसे हम कट करेंगे और मिडिल में इसी तरह का हमें सर्कल की जगह बेल शेप में रेड कलर काटेंगे और उसे बेल के इनर साइड में चिपका। ओके, सो हमारी लीव्स तैयार है, फ्लावर्स तैयार है, बेल्स तैयार है। अब हमें ज़रूरत है हमारे बेस। बेस के लिए आपके पास अगर किसी तरह का पेपर का रिंग मैंने आपको सिखा दिया है या इस तरह का रिंग, ये जनरली यूज होता है एम्ब्रॉयडरी में, मम्मी के पास या दादी के पास इस तरह का रिंग होगा या कोई भी डेकोरेशन के सामान में आता है तो आप वो रिंग ले सकते हैं। इस तरह का सैटिन रिबन उसे लगा के आप इस तरह कंटिन्यूस फोल्ड करना चाहिए। आपके पास सैटिन रिबन नहीं है तो जिस तरह आपको बताया गया था ये पेपर भी आपको मैंने बताया था इस तरह कट करना है, आप इस पेपर को भी इस पे फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, बट क्योंकि मुझे रेड कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं रेड ले रही हूँ। मैंने आपके लिए रिबन को पहले से ही तैयार करके रेडी रखा है, सो आई डोंट नीड दिस पार्ट ऑफ द रिबन। ये मेरा रिंग अच्छा सा तैयार है। ओके, इट इज लुकिंग नाइस। अब हम इसे डेकोरेट कर रहे हैं। आपके पास रिंग नहीं हो तो आप केक के नीचे जो फ्लैट प्लेट आती है उसे भी यूज कर सकते हैं, बीच में आप मैरी क्रिसमस लिख के चिपका सकते हैं, साइड में आप उसे ड्रेस का पैटर्न दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये मेरे लीड्स के पेयर है, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। मैं आपकी तरफ फेसिंग करके बना रही हूँ। मैंने उन्हीं लीव्स का एक बंच बनाया है और एक सर्कल यूज किया है। सर्कल के ऊपर लीव्स को स्टेपल कर दिया, आप चाहे तो आप चिपका सकते हैं या स्टेपल कर लीजिए और उसे हम स्टिक करेंगे इस जगह। यहाँ हमें थोड़ा सा डेकोरेशन करना है। डेकोरेशन हम करेंगे इन्हीं फ्लावर्स में। पहले हम लगाएंगे बेल्स, जो बेल्स हमने बनाई है कॉम्बिनेशन में ऐसा लेना चाहिए जो रेड के साथ गोल्डन, गोल्डन के साथ ग्रीन, अच्छे कलर्स लगे। हमें कलर्स का ध्यान रखना है, क्रिसमस पे जनरली गोल्डन, सिल्वर, रेड, ग्रीन ये सब कलर्स ज़्यादा यूज होते हैं बिकॉज विंटर्स में कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री ग्रीन होता है, उस पर इतनी सारी चीज़ें जो होती कलरफुल तो बहुत अच्छी लगती है। वैन सेंटा हमारा रेड कलर में आता है, इसे रेड कलर भी बहुत अच्छा लगता है। उस पर गोल्डन बेल्स है, उसके अंदर मैंने रेड बेल बजाने वाला पोर्शन बनाया है तो हम फ्लावर्स भी थोड़े दे देंगे, थोड़े रेड और थोड़े गोल्डन मिक्स होके ये बहुत अच्छा लुक देंगे। सिंगल कलर हम लोग यूज़ करेंगे उतना अच्छा लुक नहीं आएगा, इन्हें सेट होने में हमें थोड़ा टाइम देना होगा, देन इट विल लुक रियली वेरी वेरी नाइस। 5 फ्लावर्स देते हैं, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी फ्लावर्स लगा सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। मुझे 5 अच्छे लग रहे हैं, मेरी 5 लीव्स हैं, मैं 5 फ्लावर्स ले रही हूँ। See how beautiful it is looking. अब मेरा मन कर रहा है मैं एक रेड और लगा दूँ, ओनली वन रेड, जिससे ये और रेड रेड लगे। मुझे रेड कलर्स में बहुत अच्छा लगता है। Here I go, एक रेड। देखिए कितना अच्छा बंच लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना आपको स्टूडेंट्स? See?
इसे थोड़ा हम स्टिक होने देंगे अभी, सूखने के बाद ये बहुत अच्छा लगेगा। देन जो हमने पेयर्स बनाए हैं, यहाँ हमारा लाइट ग्रीन कलर है, तो हम शुरू करेंगे हमारे डार्क कलर से। अब इसे डेकोरेट करेंगे। हमने जो ये पेयर बनाया था, दिस टाइप हमारा पेयर है, फर्स्ट हम देखेंगे हमें कितने पेयर चाहिए, डार्क देन लाइट देन डार्क देन अगेन लाइट, हमें कॉम्बिनेशन पहले सेट करना, देन अगेन डार्क देन वन लाइट एंड लास्ट में फिर से एक डार्क। सो हमें आप देखेंगे, मैंने इसे ऑलरेडी आपके लिए तैयार करके रखा है, बट मैं आपको एक और दिखा दूँ। जो हमारा पेयर है इसके लिए मैंने एक डार्क ग्रीन कलर लिया है, सर्कल और एक गोल, इसे एक दूसरे के ऊपर रख के मैं जस्ट एक पिनअप कर, और इस पिन को मुझे और बार पिनअप करना है इसके बॉटम। तैयार हो गया। इसी के ऊपर इस टाइप से मैंने सारे तैयार करके रखे हैं, और इसी के ऊपर हम लगाएंगे एक लाइट, तो हमारा जो बीच का कॉम्बिनेशन है ये भी सेम हो जाएगा। नाउ लेट्स पीस द फ्लावर। कागज के ऊपर हम कागज चिपकाएंगे स्टूडेंट्स, तो बहुत जल्दी भी चिपकते हैं और अच्छे से पेस्ट होते रहते हैं बार बार गिरते हैं। ओके, ये मेरे सारे रेडी हो गए हैं। अब हमें इसे असेंबल करना है। सैटिन रिबन में हम लोग लगा रहे हैं, इसलिए इसे चिपक ही नहीं थोड़ा टाइम लगेगा, स्टिक होने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्रिसमस का और बता दो, इसे हम साइड रखते हैं। और अब देखिए जिस तरह बर्थडे में बैनर होते हैं, हैप्पी बर्थडे बैनर, उसी टाइप से एक मैंने आपके लिए तैयार किया है मैरी क्रिसमस बैनर। ये हमारा क्रिसमस का बैनर है। ये बैनर बनाने के लिए हमें बहुत सिंपल वेस्ट मटेरियल जो है उन्हीं से बन जाएगा, उसी की जरूरत है। मेरे पास दो ऐसी स्टिक्स रखी हुई है, आपके पास स्टिक नहीं हो तो आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, फिर उसे बाद में यूज़ में ले लीजिएगा। पेंसिल नहीं हो तो आप जो आपकी पेन जिसको आप यूज़ नहीं करना है, जिसका रकम ख़त्म हो गया, उसे ले सकते हैं। इसी तरह आपके पेपर से, ये जो पेपर से या फिर एक पेपर से आप उसे अच्छे से रैप कर लीजिए। जो हमने व्रत के लिए बनाया था उस तरह से एक ग्रीन पेपर को हमने झालर की तरह काट लिया है, और ऊपर एक टैग लगा दिया है बना के मैरी क्रिसमस, एक क्लाउड का शेप देंगे और इस तरह लगा। और थोड़ा और मैचिंग डेकोरेशन के लिए हम इसी तरह से गोल्डन और रेड ग्लास का यूज करेंगे। अब छोटे से डेकोरेशन में बहुत अच्छा सा हमारा वेलकम क्रिसमस तैयार हो जाएगा। क्रिसमस के लिए एक टैग भी बन जाएगा, बिकॉज हम बर्थडे करते हैं तो भी हम हैप्पी बर्थडे का बैनर लगाते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं तो हैप्पी एनिवर्सरी का बैनर लगाते हैं, तो क्रिसमस पे क्यों नहीं लगाएंगे, क्रिसमस पे भी लगा देते हैं। कितना प्यारा लग रहा है। हम लोग इसे इस तरह हमारे डेकोरेशन के बैक साइड पे भी यूज कर सकते हैं,
पता अच्छा लग रहा है, ओकेजन भी पता चल रहा है किस ओकेजन पे है, क्रिसमस पे। आप इस तरह जो ये ब्रिज बना है यहाँ पे भी मैरी क्रिसमस का छोटा सा टैग लगा सकते हैं और आप इसे भी पीछे डेकोरेट कर सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई इनवाइट सरोज मैम वंस अगेन टू शो यू द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। हाँ, तो अभी हम लोगों ने बना लिया है सेंटा, बना लिया हम लोगों ने रिच बना लिया, हमने बेल्स भी बना ली, फ्लावर्स भी बना लिए। अब हमें बनाना है अपना स्नोमैन। आइए तो सिंपल सा स्नोमैन मैं आपको बताऊँ। इसके लिए आपके A4 साइज पेपर लीजिए, क्योंकि स्नोमैन तो वाइट होता है तो आपको कलर की जरूरत नहीं है। और उसके इस तरीके से आप स्ट्रिप्स काटें, उसको काटने के लिए आप एक बराबर बराबर हिस्से में इसे पेपर को फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से, और फिर हमने इसे कट कर लिया है, हमने ये स्ट्रिप्स बना ली है। अब क्या करेंगे, इनको बराबर करने के लिए यूँ बराबर मोड़ लीजिए और एक यहाँ हल्की सी क्रिच मार दीजिए ताकि इसका सेंटर का पता चल जाए। और फिर हम दूसरा ले रहे हैं, इसमें आपको सिर्फ 4 स्ट्रिप्स की ज़रूरत है, ओनली 4। फिर इसे भी आप यूँ कीजिए और इसके ऊपर आपको चिपका दीजिए। अब देखिए मैं आपके लिए एक बना के रखी हूँ, ये देखिए इस तरीके का लुक आएगा जब हम इसे बनाएंगे। इसे बनाने के बाद इस तरह के हम 2 बनाएंगे, एक बड़ा और एक थोड़ा छोटा साइज का। इस कागज को काट के हम लोग थोड़ा छोटा करेंगे, तो जो छोटा हिस्सा होगा उसको फेस के रूप में काम में लेंगे और जो बड़ा हिस्सा है उससे उसकी बॉडी बनाएंगे। तो जब हमने इसे इस तरीके से एक फ्लावर का रूप दे दिया, अब दोनों को हम लोग मिला देते हैं। इसके सामने वाला इसके साथ, हर पेपर का दोनों किनारा एक दूसरे से जोड़ देना है। आप एक साथ ये फेविकॉल लगा सकते हैं। बस याद रहे कि कौन सा किनारा किसके साथ जोड़ना है, जो स्ट्रिप है उसका किनारा उसी के साथ जोड़ना है। ये देखिए ये आपका बनता चल जाएगा एक बॉल के रूप में और वो बाउंस भी करेगा।
सभी चीज़ बच्चों एक बार देखने में बड़ी हार्ड लगती है, लेकिन जब बहुत मन से आप किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं तो सब कुछ इजी लगने लगता है। ये देखिए मैंने सर्कल बना लिया, इसका ये ऊपर का हिस्सा बनाने के लिए एक कागज को भी हमने स्क्वायर टाइप में काट लिया और उसके बाद फेविकोल लगा के उसे गोल कर दिया। इस तरीके से हमने गोल कर दिया है इसे और आप इसको इसके ऊपर लगा देंगे। आपको जितना लंबा रखना है आप इसको उतना लंबा से बना सकते हैं और छोटा करना है तो ऐसे कट मार दीजिए। और फिर इस ब्लैक के ऊपर हम लोग इसे लगा देंगे और इसका जो ऊपर का मुंह खुला रहेगा उसके ऊपर भी एक गोल काट के लगा देंगे और फिर आप इसे साटन की लेस से डेकोरेट कर दीजिए। और अब देखिए इसी तरह जैसे हमने सेंटा को पैर लगाए थे, सॉक्स बनाए थे, वैसे ही हम लोग इसे बना देंगे। अब बारी आती है कि ये सीधे खड़े कैसे होगा, तो आप इसके नीचे एक चार्ट पेपर का या फिर इस टाइप का, बहुत सी चीज़ें हम लोग खरीदते हैं तो उसमें पेपर निकलते हैं, आप उसका एक सर्कल काट के इसके नीचे लगाएं तो उससे ये आपका उस पर स्थिर रहेगा और देखिए बाउंस भी करता है। ये देखिए आपको विश कर रहा है। तो ये बना हमारा, बताइए इसका नाम, स्नोमैन। अब आती है बारी, देखिए अब हम गिफ्ट्स बनाते हैं। कोई भी चीज़ है, नए भी आपके पास कुछ होता है तो आप कागजों को ही मोड़ लीजिए एक शेप में, या मैचिंग स्टिक का जो बॉक्स होता है आप उसे ले सकते हैं, या कोई छोटे मोटे कोई भी कॉटन ही ले लीजिए। कॉटन को आप रोल करके इस तरीके से किसी चमकीले कागज में डाल बांध दीजिए और ऊपर से फ्लावर लगा के। और देखिए ये जो चीज़ है, आप इसे पहचानते होंगे या नहीं पहचानते तो मैं बता दूं, जब आप पिज्ज़ा को ज़रूर खाते हैं ये पिज़्ज़ा के बीच में निकलता है, तो देखिए एकदम स्टूल का लुक हो रहा है। तो हम लोग गिफ्ट्स को इसके ऊपर रख के अपने इसमें सजा सकते हैं। ये देखिए आपको गिफ्ट सजाने हैं, आप अपने इस टेबल पे ही देखिए कितना प्यारा सा टेबल है, उसके ऊपर हमने गिफ्ट सजाने हैं। तो बच्चों मुझे लगता है प्रायः सभी चीज आप लोग सीख गए हैं। अब बारी आती है ये छोटी सी प्यारी सी स्टिक की, तो इसके लिए बच्चों आप फ्रूटी पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें आपको जो स्ट्रॉ मिलती है उसमें आप देखेंगे सामने थोड़ा स्प्रिंग टाइप दिया हुआ रहता है, आप उधर के हिस्से को कट कर लीजिए जो इस तरीके से मुड़ा हुआ रहता है ऐसे। अब इसके ऊपर आप कॉटन चढ़ाइए और साटन का रिबन रैप कर दीजिए, तो देखिए बन जाती है आपकी प्यारी सी स्टिक। आप इसे भी यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे और तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब मैं फिर से एक बार साथी मैम को बुलाती हूँ, थोड़ी मुझे हेल्प कर। स्वाति मैम प्लीज आइए और बच्चों को जो कुछ बच गया है उसमें हेल्प कीजिए ना। एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आपके पास, आपको कुछ प्यारी प्यारी चीजें सिखा देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये छोटा सा ट्री, बड़ा ट्री भी आपने देखा सेम ऐसे ही बनेगा। अब जो साइज का बनाना चाहते हैं आपका सेम साइज का ट्री होगा। इस साइज का हम ट्री बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्क्वायर पेपर ले लिया है, शाइनिंग वाले पेपर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उसे मैं एक
कोन बनाओ। जैसे मैम ने आपको सांता के लिए कोन कहा था, उसी तरह हम एक कोन बनाए। कोन हमें ज़्यादा पॉइंटेड नहीं करता है बिकॉज ट्री थोड़ा ब्रॉड होता है, उसे उसी के बेस पे हमें खड़ा भी रखना है। बैक साइड में एक स्टेपलर पेन, एक पेन से हमारा ट्री खड़ा हो गया। तो हमें इसे एक इक्वल बेस देना है, तो हम इसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे एंड यू कैन सी हमारा ट्री अराउंड, सॉरी राइट अराउंड, अभी कभी घूमता भी है बट हम उसे ठीक कर देंगे। इस तरह हमारा ट्री खड़ा हो गया, ये हमारा बेस है इसका। देन हमने जैसे वेलकम के लिए या ब्रिज बनाने के लिए जो ये स्ट्रिंग्स काटी, ऐसे ही हम बहुत सारी स्ट्रिंग्स काटेंगे और हम उसे शुरू करेंगे हमारे बॉटम से। थोड़ा सा हम इसे नीचे लेंगे ताकि ये ऐसे लटकते हुए, आप इसे स्टार्ट करने के लिए फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, बस मैं फेविकॉल की जगह यूज़ कर रही हूँ स्टेप, बिकॉज मुझे ये अभी आपको करके दिखाना है और आप जानते हैं फेविकॉल को सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। और इसी को हम सर्कल लेंगे बैक, इसी पॉइंट तक हम इसे फिर से एक सर्कल मिला के फिर से इसे एक पिन, टू पिन एंड मिडिल में हमें अगर ज़रूरत है, आपका ट्री बड़ा है तो आप सेंटर में भी एक बार स्टेपल करेंगे, नहीं तो देखिए कोई ज़रूरत नहीं है स्टेपल करने का। और जो ये हमारा एक्स्ट्रा लेयर है इसे हम कट कर देंगे। ओके देन नेक्स्ट लेयर फिर से हम स्टार्ट करेंगे यहीं बैक से, यहाँ इसे थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे फर्स्ट के नीचे, ओवरलैप करते हुए हम इसे सामने की ओर लेके जाएंगे, ओवरलैप करते हुए हम इसे सामने ले जाएंगे। इस तरह हमारा बन जाएगा इस पर सेकेंड लेयर। हमारी हर लेयर नीचे से शुरू होगी, नीचे फिर ऊपर फिर उसके ऊपर फिर टॉप पे, बड़ी छोटी उससे छोटी, और हर लेयर्स में हमें इसके ऊपर आप देख सकते हैं ऐसे एक के ऊपर एक आते हुए दिखाने। और इसे डेकोरेट करने के लिए जब हमारा पूरी लेयर्स इस पर बन जाएगी तो हमें डेकोरेट करने के लिए थोड़े से थर्माकोल बॉल्स चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कलरफुल थर्माकोल बॉल्स आप दूर दूर इस तरह लगाएंगे जिस मैंने इस ट्री पे लगाए। ओके और एक छोटा सा लास्ट में बनाएंगे स्टार और इसके ऊपर चिपकाएंगे, या आपके पास स्टार का स्टिकर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके तो इस तरह आपका बन जाएगा क्रिसमस ट्री, आप कोई भी साइज का बना सकते हैं, चाहे इतना बड़ा भी बनाएंगे तो भी आपको यही पैटर्न यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक चीज़ हमारी और बची है, सांता बन गया, स्नोमैन बन गया, ट्री बन गया, बट सांता आएगा कहाँ? सांता आएगा हमारे प्यारे से घर, और घर बनाने के लिए हम वेस्ट कार्डबोर्ड से या चार्ट पेपर से एक स्क्वायर कट करेंगे और एक ट्राइंगल, मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है, मैं जल्दी से इसे कट कर देती हूँ। इसमें लगाने के लिए हम यूज करेंगे रेड कलर का पेपर, और रेड कलर का आप सैंडल के लिए या ट्री के लिए जो शाइनर पेपर यूज किए वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर यूज कर सकते हैं वेलवेट पेपर, जैसे वेलवेट का कपड़ा आता है वेलवेट का पेपर भी आता है, बट आप मम्मी को फोर्स नहीं करेंगे, आप कोई भी कलर का आप कोई भी मटेरियल यूज कर सकते, बट आपको लेना है रेड कलर। अब स्क्वायर बेस पे हमें स्क्वायर चिपका देंगे, थोड़ा फास्ट करते हैं, एक फेविकॉल का लेयर मैंने लगाया उस पर स्क्वायर पीस पेस्ट कर दिया, एक ट्राइंगल है ट्राइंगल के ऊपर भी मैं ट्राइंगल पेस्ट कर दे रही हूँ। देखिए बस हमारे दो पीसेस से बन गया हमारा घर, अब हम इसे एक के ऊपर एक इस तरह फिर से जरा से फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर देंगे। ट्राइंगल पार्ट हमारा इसके ऊपर दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए वेलवेट पेपर यूज करने से हमें एक बेनिफिट ये होता है कि जो कॉटन होता है वेलवेट पे बिना फेविकॉल की हेल्प से वो स्टिक हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा स्टिक करके दिखाती हूँ, देखिए मैं फेविकॉल नहीं यूज कर रही हूँ, सिंपल सा हल्का सा कॉटन को मैंने रोल किया और मैं साइड में इसकी लाइन बना रही हूँ, देखिए
सारा से जो एक्स्ट्रा है कट कर दूँगी। अभी बना था इससे थोड़ा दिक्कत होगा, स्टिक होने में टाइम लगेगा। आप देख रहे हैं कितना ईजी गेम लग रही है। इसी तरह बाकी कॉटन की हेल्प से आपको गेम बनाना है। अब थोड़ा मम्मी जैसे पूजा के लिए बत्ती बनाती है उस तरह से टाइट करेंगे, गेट का शेप देंगे और इसके सेंटर में बस उसे लगा के उसे दबा देंगे तो आपका गेट उससे चिपक जाएगा। अगर आपके पास फेविकॉल पेपर नहीं है तो आप फेविकॉल से कोई भी रेड कलर के पेपर पे आप लगा सकते हैं। और आप 3D लुक देना चाहते हैं तो कोलगेट का या कोई भी ऐसा बॉक्स आता है, कोलगेट पेस्ट का जो बॉक्स आता है उसे कट करके आप स्क्वायर रख सकते हैं और फिर से कोन शेप देके उसका हार्ट का कैप बना सकते हैं। तो ये थोड़ा इनकम्प्लीट है, यहाँ मैंने आपके लिए एक पहले से बना के रखा है और एक चार्ट पेपर की हेल्प से पीछे उसके लिए एक स्टैंड बना दिया है जिससे वो आसानी से हमारे स्नो में खड़ा भी रह सकता है। देखिए इसी तरह आप हेल्प से एक हाउस बना सकते हैं। हमारा हाउस जाएगा हमारी डेकोरेशन में। अब हम एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं, ये है हमारी कैंडल। ये भी हमने ग्लिटर पेपर से बनाई है। एक चाय का कप लिया है, पहले उसे रैप कर दिया है। मेरी क्रिसमस का मेरे पास एक टैग रखा हुआ था बाजार से खरीदा हुआ, वो लगा दिया है। ये आपके पास नहीं हो तो आप जैसे हम लोगों ने ड्रॉ किया था क्लाउड शेप में आप वो भी लगा सकते हैं। देन एक कलरफुल पेपर को रोल करके कैंडल का लुक दिया है, टॉप पे कवर कर दिया जिससे सरोजना ने आपको कैप बनाना सिखाया था, उसी में एक छोटा सा छेद कर दिया है बहुत छोटा सा और उसमें एक कैंडल की जो फ्लेम होती है उसका लुक दे दिया है और इसे डबल लिया है कि ये स्टैंड अच्छे से होती है। और जो लीव्स हमने डेकोरेशन में यूज़ की थी मैम प्लीज एक लीव्स देखिए वहाँ एक्स्ट्रा है, लीव्स है फ्लावर्स कलरफुल ग्रीन कलर वही दे दीजिए डबल ही चाहिए। इस तरह का जो लीव्स हम बनाए थे ये भी हम यहाँ लगा सकते हैं और जो छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए थे इस तरह के यहाँ पर गोल्डन और रेड मैंने आपको बताया है वो फ्लावर्स लगा के आप इसको कैंडल पे डेकोरेट कर सकते हैं। सेम चीज़ों से सेम पेपर से आप कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो गिफ्ट के साथ आपका एक और डेकोरेशन आइटम तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं हम लोगों ने थोड़ी ही देर में आपके लिए कितने सारी चीज़ें तैयार कर दी। हम आइए आपने और क्या क्या बनाया है बच्चों को एक बार फिर से दिखा देते हैं। पैनल में ले लेती हूँ आइए मैम। मैम तो एकदम सारे ब्लॉक लग रही है